दोस्तों इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं कि अगर आप जो है इंडिया से नया मोबाइल फोन सऊदी अरेबिया में लेके आ रहे हो ना तो मत लेके आना, नहीं तो आपके मोबाइल फोन में जो ना सऊदी का सिम कार्ड चलेगा ही नहीं, सपोर्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों अक्सर जो है ना लोग इंडिया में नया मोबाइल फोन ले लेते हैं और डायरेक्ट जो है सऊदी में लेके चले आते हैं, और जब यहाँ पे सऊदी का सिम कार्ड डालते हैं ना तो उसमें जो है सऊदी का सिम कार्ड चलता ही नहीं है, क्योंकि उस फोन में जो है ना कंट्री कोड लग जाता है जिसके वजह से सऊदी का सिम कार्ड जो है इंडिया के नए मोबाइल फोन में सपोर्ट करता ही नहीं। तो आपके साथ ऐसा ना हो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं दोस्तों जब भी आप इंडिया में किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन नया लेते हो ना तो उसमें जो है ना किसी भी कंपनी का सिम कार्ड डालो और 1 2 दिन 4 दिन जो है उस फोन को यूज करो, और उस सिम से जो है ना इंडिया में चाहे कहीं पर भी जो है ना 2 मिनट 3 मिनट जो है बात कर लो। जब आप इस तरीके से कर लोगे ना तो जब आप इंडिया का वो मोबाइल फोन सऊदी में लेके आओगे ना तो सऊदी का किसी भी कंपनी का सिम कार्ड डालोगे ना तो उसमें जो है सिम कार्ड चलेगा ना, आपके फोन में जो है कंट्री कोड लगेगा सऊदी में आकर। दोस्तों अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, नया मोबाइल फोन लेते हैं इंडिया में और सऊदी में लेके आ जाते हैं और उसके बाद जो है सिम कार्ड डालते हैं कंट्री कोड नहीं लगता है। क्योंकि दोस्तों मेरे वीडियो में जो है ना बहुत लोगों का ऐसा जो है कमेंट आता है कि मैं इंडिया से मोबाइल फोन लेके आया और सऊदी में जो है उसमें सिम कार्ड चलता ही नहीं, मैं क्या करूं। तो फिर मैं एक ही चीज बोलता हूँ, किसी मोबाइल फोन के दुकान पे जाओ, उसका कंट्री कोड तोड़वाओ और फिर जो है सऊदी का आप सिम कार्ड चला सकते हो। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों यही करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।